हेलो फ्रेंड्स, आज हम टर्नर ट्रेड के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे जो आरआरबी एलपी एंड सीबीटू एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर वन, एक ब्लाइंड होल में थ्रेड काटने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला टेप खालिस्तान है। आंसर, बॉटमिंग टेप। एक ब्लाइंड होल में थ्रेड काटने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला टेप बॉटमिंग टेप है। क्वेश्चन नंबर टू, लिमिट्स की BIS प्रणाली में सहारता टॉलरेंस की ग्रेड को अंक संकेतों द्वारा निरूपित किया जाता है और खालिस्तान है। आंसर, 18 सहारता ग्रेड। लिमिट्स की BIS प्रणाली में सहारता टॉलरेंस की ग्रेड को अंक संकेतों द्वारा निरूपित किया जाता है और 18 सहारता ग्रेड, 18 टॉलरेंस ग्रेड है। क्वेश्चन नंबर थ्री, G02 फंक्शन का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। आंसर, वृत्ति गति दक्षिणा वर्त। G02 फंक्शन का उपयोग वृत्ति गति दक्षिणा वर्त सर्कुलर मोशन क्लॉकवाइज के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर, निम्न में से कौन सा ऑपरेशन केस्टन लेथ पर नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन वन, टूल की चौड़ाई से अधिक लंबाई के लिए अंडरकटिंग। ऑप्शन टू, नर्लिंग। ऑप्शन थ्री, केंद्रों के बीच में टेपर टर्निंग। ऑप्शन फोर, स्टेप की बोरिंग। करेक्ट आंसर है केंद्रों के बीच में टेपर टर्निंग। केंद्रों के बीच में टेपर टर्निंग ऑपरेशन कैप्टन लेथ पर नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, आंतरिक थ्रेड इंटरनल थ्रेड्स का निर्माण करने के लिए प्रयुक्त होने वाला टूल खालिस्तान कहलाता है। आंसर, टेप। आंतरिक थ्रेड इंटरनल थ्रेड्स का निर्माण करने के लिए प्रयुक्त होने वाला टूल टेप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्न में से किस भाग की सेंटर लेथ पर थ्रेडिंग के समय मुख्य भूमिका होंगी। आंसर, लीड स्क्रू भाग की सेंटर लेथ पर थ्रेडिंग के समय मुख्य भूमिका होंगी। क्वेश्चन नंबर सेवन, टूल मेकर का बटन खालिस्तान से बना होता है। आंसर, कठोरीकृत स्टील। टूल मेकर का बटन कठोरीकृत स्टील हार्डेंड स्टील से बना होता है। क्वेश्चन नंबर एट, लेथ फेस प्लेट वर्क के दौरान भार के संतुलन के लिए लेड धातु का उपयोग किया जाता है। इसका कारण यह है कि लेड धातु सर्वाधिक खालिस्तान होती है। आंसर, सर्वाधिक भारी। लेथ फेस प्लेट वर्क के दौरान भार के संतुलन के लिए लेड धातु का उपयोग किया जाता है। इसका कारण यह है कि लेड धातु सर्वाधिक भारी होती है। क्वेश्चन नंबर नाइन, हाइपो यूटेक्टाइट स्टील वह है जिसमें खालिस्तान पाया जाता है। आंसर, 0.8% तक कार्बन। हाइपो यूटेक्टाइट स्टील वह है जिसमें 0.8% तक कार्बन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर टेन, लिमिट्स की BIS प्रणाली में सहारता के 18 ग्रेड हैं जो छिद्र तथा शाफ्ट दोनों के लिए अंक चिन्हों द्वारा निरूपित किए जाते हैं। निम्न में से कौन सी रेंज गेज के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। आंसर, 1 से 4। लिमिट्स की BIS प्रणाली में सहारता टॉलरेंस के 18 ग्रेड है जो छिद्र तथा शाफ्ट दोनों के लिए अंक चिन्हों द्वारा निरूपित किए जाते हैं। 1 से 4 रेंज गेज के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 11, बेवल गेज कोनों का मापन खालिस्तान कर सकते हैं। आंसर, अप्रत्यक्ष रूप से। बेवल गेज कोनों का मापन अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक यंत्र
जिसमें ट्राई स्क्वायर, बेवल प्रोटेक्टर, रूल, स्क्राइबर सभी की विशेषताएं होती है, कहलाता है। आंसर कॉम्बिनेशन सेट, एक यंत्र जिसमें ट्राई स्क्वायर, बेवल प्रोटेक्टर, रूल, स्क्राइबर सभी की विशेषताएं होती है, कॉम्बिनेशन सेट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13, टाइप बी के सेंटर ड्रिल के काउंटर सिंकिंग पोर्शन के अंतर्गत कौन, जिसे सेंटर होल्स की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, होता है। आंसर 120 डिग्री। टाइप बी के सेंटर ड्रिल के काउंटर सिंकिंग पोर्शन के अंतर्गत कौन, जिसे सेंटर होल्स की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, 120 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 14, मशीन टी बोल्ट को संचारण से सुरक्षित रखना जरूरी है, इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त सतह उपचार है। आंसर ब्लिंकिंग। मशीन टी बोल्ट को संचारण सुरक्षित रखना जरूरी है, इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त सतह उपचार है ब्लिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 15, कॉपिंग लेथ का उपयोग खालिस्तान वर्कपीस के उत्पादन के लिए किया जाता है। आंसर आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल। कॉपिंग लेथ का उपयोग आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल वर्कपीस के उत्पादन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया संघटक पर पैमाना राहित सतह का निर्माण करती है। आंसर इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया शा घटक पर पैमाना राहित स्केल फ्री सतह का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 17, खांचा काटते समय धातु अंत के निकट सा पिंडकों के रूप में टूटने की ओर प्रवृत्त होती है, इसे खालिस्तान के द्वारा टाला जा सकता है। आंसर विपरीत साइड से अंतिम भाग की चिपिंग। खांचा काटते समय, ग्रुप काटते समय धातु के अंत के निकट सा पिंडकों के रूप में टूटने की ओर प्रवृत्त होती है, इसे विपरीत साइड से अंतिम भाग की चिपिंग द्वारा टाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, टेपर टर्निंग की विधियों में से एक टेल स्ट्रोक की ऑफसेटिंग है, टेल स्ट्रोक का कौन सा भाग ऑफसेट है। आंसर बॉडी। टेपर टर्निंग की विधियों में से एक टेल स्ट्रोक की ऑफसेटिंग है, टेल स्ट्रोक का बॉडी भाग ऑफसेट है। क्वेश्चन नंबर 19, खरात पर मल्टी स्टार्ट थ्रेड की कटिंग के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। आंसर चेजर्स। लेथ खरात पर मल्टी स्टार्ट थ्रेड की कटिंग के लिए चेजर्स उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, तापमान में वृद्धि होने पर निम्न में से कौन सा जोड़ सबसे पहले टूटेगा। ऑप्शन 1 सॉफ्ट सोल्डरिंग, ऑप्शन 2 ब्रेंजिंग, ऑप्शन 3 वेल्डिंग, ऑप्शन 4 रिवेटिंग। करेक्ट आंसर है सॉफ्ट सोल्डरिंग। तापमान में वृद्धि होने पर सॉफ्ट सोल्डरिंग जोड़ सबसे पहले टूटेगा। क्वेश्चन नंबर 21, वह स्क्रू थ्रेड जो पावर पारेषित करता है तथा इसका पृष्ठ दीर्घ एक्सिस से लगभग समकोण पर होता है। आंसर स्क्वायर थ्रेड। वह स्क्रू थ्रेड जो पावर पारेषित ट्रांसमिट करता है तथा इसका पृष्ठ दीर्घ एक्सिस से लगभग समकोण पर होता है, स्क्वायर थ्रेड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22, लेथ पर विशिष्ट कार्य करने के लिए स्पिंडल स्लीव को स्पिंडल नोज पर असेंबल किया जाना है, इस स्लीव में खालिस्तान होते हैं। आंसर भाई तथा भीतरी मोर्स टेपर होते हैं। लेथ पर विशिष्ट कार्य करने के लिए स्पिंडल स्लीव को स्पिंडल नोज पर असेंबल किया जाना है, इस स्लीव में भाई तथा भीतरी मोर्स टेपर
एक्सटर्नल एंड इंटरनल मोस्ट पेपर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मशीनिंग टाइम ज्ञात करें जहां लंबाई 350 मिलीमीटर एंड 637 आरपीएम फीट 0.05 एमएम प्रति रिवॉल्यूशन तथा कटिंग स्पीड 130 मीटर प्रति मिनट है। आंसर 10.98 मिनट। क्वेश्चन नंबर 24, वह जाब सपोर्टिंग डिवाइस जो कैरिज के पिछले सिरे पर बोल्ट द्वारा कसी होती है तथा मशीन ऑपरेशन के दौरान साथ में चलती है कहलाती है। आंसर फॉलोअर रेस्ट। वह जाब सपोर्टिंग डिवाइस जो कैरिज के पिछले सिरे पर बोल्ट द्वारा कसी होती है तथा मशीन ऑपरेशन के दौरान साथ में चलती है फॉलोअर रेस्ट कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 25, नंबर 10 को छोड़कर BS1 से BS18 तक ब्राउन तथा शार्प टेपर अनुपात होगा। आंसर प्रति 24 इंच 1 इंच। नंबर 10 को छोड़कर BS1 से BS18 तक ब्राउन तथा शार्प टेपर का टेपर अनुपात प्रति 24 इंच 1 इंच, 1 इंच पर 24 इंच होगा। क्वेश्चन नंबर 26, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक खालिस्तान होता है। आंसर 5 मिनट। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक लिस्ट काउंट 5 मिनट होता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस स्क्रू थ्रेड फार्म में थ्रेड के पार्श्व के मध्य 29 डिग्री का अंतर्विष्ट कोण होता है। आंसर एक में थ्रेड स्क्रू थ्रेड फॉर्म में थ्रेड के पार्श्व के मध्य 29 डिग्री का अंतर्विष्ट कोण इंक्लूडेड एंगल होता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस एब्रिविएशन संक्षिप्त रूप का उपयोग एक में थ्रेड को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। आंसर TR60x9। TR62x9 एब्रिविएशन संक्षिप्त रूप का उपयोग एक में थ्रेड को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, खालिस्तान में जिक्स का उपयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन 1 ड्रिलिंग, ऑप्शन 2 रिमिंग, ऑप्शन 3 टेपिंग, ऑप्शन 4 मिलिंग। करेक्ट आंसर है मिलिंग। मिलिंग में जिक्स का उपयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, कैसे हैंड रीमर मशीन रीमर से भिन्न होता है। आंसर कटिंग एज के लिए अधिक लंबी बेवल लीड। कटिंग एज के लिए अधिक लंबी बेवल लीड हेड रीमर मशीन रीमर से भिन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 31, हाई स्पीड स्टील में मिश्रित अवयवों का सामान्य रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला अनुपात होता है। आंसर 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम, 1% वेनेडियम। हाई स्पीड स्टील में मिश्रित अवयवों का सामान्य रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला अनुपात 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम, 1% वेनेडियम होता है। क्वेश्चन नंबर 32, माइक्रोमीटर के फ्रेम पर 0 से 25 का क्या अर्थ है। आंसर मापन रेंज 0 से 25 मिलीमीटर है। माइक्रोमीटर के फ्रेम पर 0 से 25 का अर्थ मापन रेंज 0 से 25 मिलीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 33, न्यूनतम
सीमा तथा मूल आकार के मध्य बीजी अंतर खालिस्तान कहलाता है। आंसर निचला विचलन। न्यूनतम सीमा मिनिमम लिमिट तथा मूल आकार बेसिक साइज के मध्य बीजी अंतर एलजेब्रिक डिफरेंस निचला विचलन लोअर डेविएशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 34। जिग का वह प्रकार जिसमें बेस प्लेट नहीं होती खालिस्तान कहलाता है। आंसर प्लेट जिग। जिग का वह प्रकार जिसमें बेस प्लेट नहीं होती प्लेट जिग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 35। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का वह भाग जिसका उपयोग सामान्य रूप से कोण के मापन के संदर्भ आधार के रूप में किया जाता है कहलाता है। आंसर स्टॉक। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का वह भाग जिसका उपयोग सामान्य रूप से कोण के मापन के संदर्भ आधार के रूप में किया जाता है स्टॉक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 36। जैसे जैसे कटिंग स्पीड में वृद्धि होती है खालिस्तान। आंसर वर्क पीस तथा टूल दोनों को अधिक उष्मा पारेषित होती है। जैसे जैसे कटिंग स्पीड में वृद्धि होती है वर्क पीस तथा टूल दोनों को अधिक उष्मा पारेषित होती है। क्वेश्चन नंबर 37। रफनेस ग्रेड नंबर्स N1 से N12 को 5 समूहों में विभाजित किया जा सकता है तथा उपयोग में आने वाले चिन्हों के रूप में निरूपित किया जाता है। निम्न में से कौन सा चिन्ह सूक्ष्म सतह का संकेतक है। आंसर ऑप्शन नंबर 3। रफनेस ग्रेड नंबर्स N1 से N12 को 5 समूहों में विभाजित किया जा सकता है तथा उपयोग में आने वाले चिन्हों के रूप में निरूपित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4। चिन्ह सूक्ष्म सतह का संकेतक है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 38। स्लिप गेज के मेजरिंग फेसेज मापने वाले पृष्ठ की सफाई के लिए खालिस्तान तरल का उपयोग किया जाता है। आंसर कार्बन टेट्राक्लोराइड। स्लिप गेज के मेजरिंग फेसेज मापने वाले पृष्ठ की सफाई के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड तरल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39। वह आकार जिसके आधार पर विमी विचलन दिए जाते कहलाता है। आंसर मूल आकार। वह आकार जिसके आधार पर विमी विचलन डायमेंशनल डेविएशन दिए जाते मूल आकार बेसिक साइज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 40। BSW थ्रेड्स का कोण खालिस्तान होता है। आंसर 55 डिग्री। BSW थ्रेड्स का कोण 55 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 41। ग्रूविंग या रिलीफ प्रदान करने के लिए जॉब को खालिस्तान के साथ घुमाया जाता है। आंसर निम्न गति। ग्रूविंग या रिलीफ प्रदान करने के लिए जॉब को निम्न गति लो स्पीड के साथ घुमाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42। टर्निंग टूल के शब्द क्रेटर वियर का क्या अर्थ है। आंसर कटिंग पृष्ठ पर गुहा होना। टर्निंग टूल के शब्द क्रेटर वियर का अर्थ कटिंग पृष्ठ पर गुहा होना है, कटिंग फेस पर कैविटी होना है। क्वेश्चन नंबर 43। एक लेथ मशीन द्वारा तल को समतल बनाया जा सकता है यदि कटिंग टूल खालिस्तान गति करे। आंसर वर्क पीस के घूर्णन के दूरी के क्षैतिजक। एक लेथ मशीन द्वारा तल को समतल बनाया जा सकता है यदि कटिंग टूल वर्क पीस के घूर्णन रोटेशन की दूरी के क्षैतिजक गति करें। क्वेश्चन नंबर 44।
पतले चोंगे को आरी ब्लेड से काटने के लिए ब्लेड की सर्वाधिक उपयुक्त पिच है? आंसर 0.8 मिलीमीटर। पतले चोंगे को आरी ब्लेड से काटने के लिए ब्लेड की सर्वाधिक उपयुक्त पिच है 0.8 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 45। भाई थ्रेड्स के मापन के लिए थ्रेड स्नैप गेज का उपयोग किया जाता है। नो गो छोर के एनविल्स न्यायी खालिस्तान के रूप में होते। आंसर गो छोर की अपेक्षा थ्रेड्स संक्षिप्त तथा कम संख्या। भाई थ्रेड्स एक्सटर्नल थ्रेड्स के मापन के लिए थ्रेड स्नैप गेज का उपयोग किया जाता है। नो गो छोर एंड के एनविल्स गो छोर की अपेक्षा थ्रेड्स संक्षिप्त तथा कम संख्या के रूप में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। एक लेत में 10 मिलीमीटर व्यास वाले ड्रिल चक में रखे स्ट्रेट संक ड्रिल के उपयोग द्वारा एक छिद्र ड्रिल किया गया। कुछ समय बाद यह वर्क के समानांतर घूमता है। इस विकृति के लिए निम्न में से कौन सा तथ्य कारण है? आंसर चिप्स का अवरोधित होना। एक लेत में 10 मिलीमीटर व्यास वाले ड्रिल चक में रखे स्ट्रेट संक ड्रिल के उपयोग द्वारा एक छिद्र ड्रिल किया गया। कुछ समय बाद यह वर्क के समानांतर घूमता है। इस विकृति के लिए चिप्स का अवरोधित होना कारण है। क्वेश्चन नंबर 47। हाफ नट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? आंसर यह एप्रन का डिटेचेबल अंग होता है। हाफ नट के संदर्भ में यह एप्रन का डिटेचेबल अंग होता है। तथ्य सही है। क्वेश्चन नंबर 48। लेथ मशीन में स्टडी रेस्ट का कार्य होता है। आंसर कटिंग फोर्स के कारण लंबी शाफ्ट को मुड़ने से रोकना। लेथ मशीन में स्टडी रेस्ट का कार्य कटिंग फोर्स के कारण लंबी शाफ्ट को मुड़ने से रोकना होता है। क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से कौन सा सेंटर लेथ के कैरिज का भाग नहीं है? ऑप्शन 1 टूल पोस्ट, ऑप्शन 2 एप्रन, ऑप्शन 3 कंपाउंड रेस्ट, ऑप्शन 4 गियर बॉक्स कंट्रोल। करेक्ट आंसर है गियर बॉक्स कंट्रोल। गियर बॉक्स कंट्रोल सेंटर लेथ के कैरिज का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50। यूनिवर्सल सरफेस गेज का वह भाग जो आधार कोर के समानांतर एक रेखा खींचने में सहायक होता है कहलाता है। आंसर गाइड पिंस। यूनिवर्सल सरफेस गेज का वह भाग जो आधार कोर के समानांतर एक रेखा खींचने में सहायक होता है गाइड पिंस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 51। हीटेड सॉल्ट बाथ में तरल कार्बोरन किया जाता है। निम्न में से क्या कार्बोरन लवण नहीं है? ऑप्शन 1 सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन 2 सोडियम साइनाइड, ऑप्शन 3 बेरियम क्लोराइड, ऑप्शन 4 सोडियम सल्फेट। आंसर है सोडियम सल्फेट। हीटेड साल्ट बाद में तरल कार्बोरन कार्बोराइजिंग किया जाता है। सोडियम सल्फेट कार्बोरन लवण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52। एक में थ्रेड में क्रेस्ट की चौड़ाई ज्ञात करने का सूत्र है जहां एन इज इक्वल टू प्रति इंच थ्रेड्स की संख्या है। आंसर 0.3707 अपॉन एन। एक में थ्रेड में क्रेस्ट की चौड़ाई ज्ञात करने का सूत्र है 0.3000
707 अपॉन एन, जहां एन प्रति इंच थ्रेड्स की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से कौन सा तत्व टेल स्टॉक की ऑफसेटिंग द्वारा टेपर की टर्निंग में अपनाए जाने वाले सिद्धांत का संकेतक है? आंसर, वर्क एक्सिस को लेथ एक्सिस के सहारेखन में रखा जाता है तथा टूल मूवमेंट लेथ एक्सिस के समानांतर होता है। वर्क एक्सिस को लेथ एक्सिस के सहारेखन अलाइनमेंट में रखा जाता है तथा टूल मूवमेंट लेथ एक्सिस के समानांतर होता है। तथ्य, टेल स्टॉक की ऑफसेटिंग द्वारा टेपर की टर्निंग में अपनाए जाने वाला सिद्धांत का संकेतक है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से किस प्रकार का सेंटर अन्य की तुलना में अधिक स्थायी होता है? ऑप्शन वन टिप्ड सेंटर, ऑप्शन टू बॉल सेंटर, ऑप्शन थ्री हाफ सेंटर, ऑप्शन फोर रिवॉल्विंग सेंटर। करेक्ट आंसर है रिवॉल्विंग सेंटर। रिवॉल्विंग सेंटर अन्य सेंटर की तुलना में अधिक स्थायी होता है। क्वेश्चन नंबर 55 कैंसिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 56, लोहे से पिग आयरन बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली भट्टी है? आंसर, पल्टनी भट्टी। लोहे से पिग आयरन बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली भट्टी है पडलिंग फर्नेस, पलटनी भट्टी। क्वेश्चन नंबर 57 कैंसिल्ड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 58, 127 दांत या 63 दांत वाला विशिष्ट गियर जिसे लेथ में मीट्रिक थ्रेड्स काटने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है तथा जिसमें ब्रिटिश लेड स्क्रू होता है, वह खालिस्तान है? आंसर, ट्रांसलेटिंग गियर। 127 दांत या 63 दांत वाला विशिष्ट गियर जिसे लेथ में मीट्रिक थ्रेड्स काटने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें ब्रिटिश लेड स्क्रू होता है, वह ट्रांसलेटिंग गियर है। क्वेश्चन नंबर 59, एम फंक्शन में M03 का अर्थ है? आंसर, स्पिंडल रोटेशन। एम फंक्शन में M03 का अर्थ है स्पिंडल रोटेशन क्लॉकवाइज। क्वेश्चन नंबर 60, उस सबसे छोटे परिमाण को क्या कहते हैं जिसे कभी भी पैमाने द्वारा एकदम सही मापा जा सकता है? आंसर, लिस्ट काउंट, अल्पतमांक। उस सबसे छोटे परिमाण को क्या कहते हैं जिसे किसी भी पैमाने द्वारा एकदम सही मापा जा सकता है? उसे लिस्ट काउंट, अल्पतमांक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, कौन पुली पर चार स्टेप्स तथा बैक गियर वाले लेथ में खालिस्तान होंगी? आंसर, चार डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट स्पीड्स। कौन पुली पर चार स्टेप्स तथा बैक गियर वाले लेथ में चार डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट स्पीड्स होंगी? क्वेश्चन नंबर 62, भाई स्क्रू थ्रेड के पिच व्यास का मापन खालिस्तान के द्वारा किया जाता है? आंसर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। भाई स्क्रू थ्रेड, एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड के पिच व्यास का मापन स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, 8 मिलीमीटर की पिच वाले सिंगल स्टार्ट स्क्वायर थ्रेड को स्थूलता के साथ काटा जाना है, इसके लिए उपयुक्त कटिंग एज की चौड़ाई खालिस्तान है? आंसर, 4 अपर लिमिट -0.5 अपॉन लोअर लिमिट -0.7। 8 मिलीमीटर की पिच वाले सिंगल स्टार्ट स्क्वायर थ्रेड को स्थूलता के साथ काटा जाना है।
इसके लिए उपयुक्त कटिंग एज की चौड़ाई 4 अपर लिमिट माइनस 0.5 लोअर लिमिट माइनस 0.7 है। क्वेश्चन नंबर 64, धातुओं में फोर्जिंग ऑपरेशन करने के लिए निम्न में से कौन सा यांत्रिक गुणधर्म आवश्यक है? आंसर, सुघट्यता। धातुओं में फोर्जिंग ऑपरेशन करने के लिए सुघट्यता प्लास्टिसिटी यांत्रिक गुणधर्म आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 65, कार्बाइड टूल के द्वारा वर्कपीस की रफ टर्निंग के दौरान लंबे छल्लेदार चिप्स बन रहे, इस प्रकार के चिप्स से छुटकारा पाने का निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त है? आंसर, टूल पर चिप ब्रेकर लगाएं। कार्बाइड टूल के द्वारा वर्कपीस की रफ टर्निंग के दौरान लंबे छल्लेदार चिप्स बन रहे, इस प्रकार के चिप्स से छुटकारा पाने के लिए टूल पर चिप ब्रेकर लगाएं उपयुक्त तरीका है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन सा प्रक्रिया अनुक्रम बेहतर परिशुद्धता के साथ साथ सरफेस फिनिश प्रदान करेगा? आंसर, ड्रिलिंग, रीमिंग, जिंग, ग्राइंडिंग। ड्रिलिंग, रीमिंग, जिंग, ग्राइंडिंग प्रक्रिया अनुक्रम बेहतर परिशुद्धता के साथ साथ सरफेस फिनिश प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से किस मशीन रीमर का उपयोग रीमर एक्सिस तथा वर्कपीस वर्क एक्सिस के मध्य असंरेखण को ठीक करने के लिए किया जाता है? आंसर, फ्लोटिंग ब्लेड रीमर। फ्लोटिंग ब्लेड रीमर मशीन रीमर का उपयोग रीमर एक्सिस तथा वर्क एक्सिस के मध्य असंरेखण मिस अलाइनमेंट को ठीक करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, बेलन की लंबाई के समानांतर व्यास में समान रूप से होने वाली वृद्धि या कमी खालिस्तान कहलाती है? आंसर, टेपर। बेलन सिलेंडर की लंबाई के समानांतर व्यास में समान रूप से होने वाली वृद्धि या कमी टेपर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 69, वर्नियर कैलिपर में मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 60 मिलीमीटर है, मुख्य पैमाने साथ संयुगात्मक वर्नियर डिवीजन 28 वर्ड डिवीजन है, तब पाठ्यांक खालिस्तान होगा? आंसर, 60.56 मिलीमीटर। वर्नियर कैलिपर में मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 60 मिलीमीटर है, मुख्य पैमाने के साथ संयुगात्मक वर्नियर डिवीजन 28वां डिवीजन है, तब पाठ्यांक 60.56 मिलीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 70, थ्रीजा सेल्फ सेंटरिंग चक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन वन, या गोल वर्क पीसेज के लिए उपयुक्त हो सकता है। ऑप्शन टू, जा एक साथ चलते हैं। ऑप्शन थ्री, जा को रिवर्स तथा असेंबल कह सकते हैं। ऑप्शन फोर, इसे हेक्सागोनल वर्क पीस के लिए प्रयुक्त कह सकता है। आंसर, जा को रिवर्स तथा असेंबल कह सकते हैं। थ्री जा सेल्फ स्टार्टिंग चक के संदर्भ में निम्न कथन सही है, या गोले वर्क पीसेज के लिए प्रयुक्त हो सकता है? थ्री जा सेल्फ सेंटरिंग चक गोल वर्क पीसेज के लिए प्रयुक्त हो सकता है, सही है। थ्री जा सेल्फ सेंटरिंग चक जा एक साथ चलते, करेक्ट है। थ्री जा सेल्फ सेंटरिंग चक इसे हेक्सागोनल वर्क पीस के लिए प्रयुक्त कह सकता है, करेक्ट है। थ्री जा सेल्फ सेंटरिंग चक जा को रिवर्स तथा असेंबल कह सकते, यह तथ्य सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71, सेंटर ड्रिल का आकार खालिस्तान के आधार पर चयनित किया जाता है? आंसर, वर्क पीस के व्यास। सेंटर ड्रिल का आकार वर्क पीस के व्यास के आधार पर चयनित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72,
एक बटे दो गुणित छः इंच विवरण वाले हाई स्पीड स्टील टूल बिट में छः इंच किसे संदर्भित करता है? आंसर, टूल की लंबाई। एक बटे दो गुणित सिक्स इंच विवरण वाले हाई स्पीड स्टील टूल बिट में छः इंच टूल की लंबाई को संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 73। आवर्धित छिद्र में सतह की स्तरहीन फिनिशिंग के धब्बे होते इस विकृति का निम्न में से क्या कारण है? आंसर, बोर किए गए छिद्र में अपर्याप्त रिमिंग अलाउंस होना। आवर्धित छिद्र रिम्ड होल्स में सतह की स्तरहीन फिनिशिंग के धब्बे होते हैं इस विकृति का बोर किए गए छिद्र में अपर्याप्त रिमिंग अलाउंस होना कारण है। क्वेश्चन नंबर 74। ड्राइविंग प्लेट्स का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है? आंसर, केंद्रों के मध्य लेथ डॉक के साथ शाफ्ट की ड्राइविंग। ड्राइविंग प्लेट्स का उपयोग केंद्रों सेंटर्स के मध्य लेथ डॉक के साथ शाफ्ट की ड्राइविंग के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75। एल्युमिनियम ऑक्साइड ग्राइंडिंग व्हील्स का उपयोग खालिस्तान के मटेरियल की ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है? आंसर, उच्च तनन सामर्थ्य के मटेरियल। एल्युमिनियम ऑक्साइड ग्राइंडिंग व्हील्स का उपयोग उच्च तनन सामर्थ्य हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के मटेरियल की ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए।